Hello everybody, in this video I'm gonna tell you how I got 334 out of 360. Wanna know? First, let's have a look at the sticky notes wall where I used to study. Come on. And here are those sticky notes which are having the data about physics, chemistry and biology. Here comes the another. So here the data has been extracted from NCERT as well as our MCQ book MTG, because the initial introduction in MTG consists of many good and new concepts. Here is some chemistry along with the data and the organic chemistry. This is chemistry. So, talking about the video's topic, it is many students' aspiration to cross 300 score in biology. Lekin, shuruaat mein score utna jata nahi hai. To कहीं तो एक फील होता है कि क्यों नहीं जा रहा है. सो डू नॉट वरी, जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड कीप ऑन वर्किंग. तो थोड़े दिनों बाद आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे, आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे, 300 तक तो आप चले जाओगे. देन आपके एस्पिरेशंस और बढ़ेंगे, क्योंकि एक अच्छा स्कोर लाने के लिए यू डेफिनेटली नीड टू क्रॉस 300. तो आप 330 प्लस जाना चाहोगे, और जैसे ही आपकी 11th आएगी, 12th आएगी, 12th के बाद फिर बोर्ड्स आएंगे. अब 11th के बोर्ड्स तो मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि वो बोर्ड्स की तरफ से नहीं होते हैं, वो आपका कॉलेज ही मैनेज करता है. लेकिन 12th के बोर्ड्स वो तो बोर्ड की तरफ से होंगे. सो फॉर दैट आपको बोर्ड्स का टेंशन आएगा. अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जब बोर्ड्स आएंगे तो उसके एक महीने पहले मैनेज कर लेंगे, बट दैट्स नॉट द केस. सी, यू हैव ऑल द टेंशन ऑफ बायो ऑन योर माइंड. दिस इज द एनसीईआरटी 11th, दिस इज द एनसीईआरटी 12th, दिस इज द महाराष्ट्र बोर्ड बुक ऑफ 11th फॉर बायोलॉजी, दिस इज द महाराष्ट्र बोर्ड बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर 12th. सो 1, 2, 3 and 4, ऑल द 4 बुक्स. तो कैसा करें? वेरी इजी थिंग. जब आपकी कोचिंग में एनसीईआरटी से जो चैप्टर चल रहा होगा, सेम चैप्टर आप बोर्ड बुक से खोलिए, एनसीईआरटी को एक बार पढ़िए, बोर्ड बुक को भी पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा कंटेंट डेफिनेटली मिलने वाला है बोर्ड बुक में. बिकॉज बोर्ड वालों ने भी अभी अपना जो कंटेंट है बुक्स में का, वो काफ़ी एक हद तक अपग्रेड किया है. एंड इट्स गुड टू नो सम न्यू थिंग्स. हमेशा सिर्फ एनसीईआरटी करने के बजाय आपको तो बोर्ड्स भी देना है. माल ये ठीक है कि नीट आपका पहला प्रेफरेंस है, बट ये आपको लिखना है बोर्ड्स में जाके. नॉट एवरी बैच इज एज लकी एज द बैच ऑफ अस विच दैट आवर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग वाज ऑनलाइन एंड वी मेड इट टू द बोर्ड्स विदाउट राइटिंग पेपर्स. सो यू आर नॉट गोना बी लकी. Who knows? तो सेम चैप्टर का, बोर्ड का भी और एनसीईआरटी का भी, दोनों को पढ़ो, क्योंकि आपको दोनों ही लगने वाले हैं. ऐसा मत करो कि बोर्ड आने से एक महीने पहले सारी बोर्ड की बुक निकाल के बैठ गए और फिर एकदम टेंशन ले लिया, अरे यार अब बोर्ड्स तो आ गए, अब क्या करूँ. वैसा मत करो, साइमल्टेनियसली करो. क्योंकि वैसा भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आप नीट की सेगमेंट में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको वैसे भी करने ही पड़ने वाला है. तो एक बार जो भी चैप्टर शुरू है उसकी ही बोर्ड बुक निकाल के एक उस पर फेरफार कर लो, उस पर एक नज़र घुमा लो, चाहिए तो रीड कर लो एक बार, क्योंकि आप ही उतना उस बोर्ड के बुक के बारे में टच में रहोगे. ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है. अगर बायो में आप अच्छा स्कोर चाहते हो ना, दिस इज समवेयर रिलेटेड टू द कंसेप्ट क्लियरेंस फॉर योर नीट एग्जाम. सो डोंट जस्ट निग्लेक्ट इट एंड डोंट स्टार्ट एट द 11th or work from the beginning. Okay, that's the basic point. As the video title reads, 334 out of 360 I got. So basically my journey was the coaching academy I was in, they used to give 5 to 6 questions on a daily basis for biology to write down in a notebook, so that the writing practice doesn't get disturbed. मतलब बोर्ड्स एकदम पास में आ गए और आप लिखने की प्रैक्टिस ना कर पाओ, तो वो हमसे रोज 5 या 10 क्वेश्चन हमको दे देते थे और बोलते थे कि इसको आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो. बिकॉज
this practice is not followed in many academies. So what you should do, 1 month before the board exams come, you should give at least 10 to 12 prelims, full paper along with timer. What will happen? You will get used to the writing pattern. क्योंकि इतना MCQs करते हैं ना बच्चे, बार बार MCQs, दिमाग है ना, option limited हो जाता है. Your body is not ready to write the question papers. You are not ready to write the big answers in the answer sheets. So आप prelim लगा लो, seriously घर पे बैठ के timer लगा लो और solve करो एक board से एक महीना पहले, तो हो जाएगी आपकी practice. ठीक है, उसके बाद में ये सब होने के बाद जब आपकी नीट पास में आएगी तो आपका बायोलॉजी का पूरा पढ़ाई हो चुका होगा. सो द बेस्ट ऑप्शन इज तब आप क्या करो, MTG या फिर मैं तो MTG रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो NCERT बेस्ट है, तो MTG को ही करो और टाइमर लगा के प्रॉपरली उसके MCQs सॉल्व करो. टाइमर लगाओ, मान लो अगर 90 क्वेश्चंस है तो थोड़ा कम टाइमर लगाओ, मतलब 90 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स ये मत मानो, 90 क्वेश्चंस के लिए आप 70 मिनट्स लो. उसके बाद में जो चीज़ आपको ध्यान में ना रहे या फिर कोई कंसेप्ट आपको हार्ड लगे या फिर साइंटिफिक नेम्स हो गए या फिर कोई ट्रिक हो गई या फिर कोई न्यूमोनिक्स हो गए याद रखने के, तो उसके लिए आप एक ना छोटी नोटबुक बना लो. मैंने एक छोटी नोटबुक बनाई थी, ये एक छोटी नोटबुक थी, इसमें मैं साइंटिफिक नेम्स लिखता था, कोई जो छोटी छोटी कंसेप्ट होती है, मतलब स्मॉल कंसेप्ट बट दे मैटर अ लॉट, मतलब छोटी कंसेप्ट है पर आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी चीज़ें उनके लिए, तो वो मैं इस नोटबुक में ऐसा लिख के रखता था. फाइनल टाइम रिविजन के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है. उसके बाद में अगर आप स्टडी टेबल पे बैठते हो और साइड में कहीं वॉल हो और आपका रोज उस चीज़ पे नज़र जाना चाहिए तो आप स्टिकी नोट्स भी लगा सकते हो. सो आई यूज टू डू बोथ स्टिकी नोट्स एज वेल एज दिस नोटबुक. नेक्स्ट ऑप्शन टू रिवाइज थिंग्स, द बेस्ट ऑप्शन इज आप क्लास में, बायो की क्लास में आपकी रनिंग नोट्स निकलती ही है. मेरे आज तक के 3 बुक्स है 11th और 12th की. ओके, सो यू टेक आउट रनिंग नोट्स ना, सो रिविजन के लिए दिस रनिंग नोट्स आर द बेस्ट. मैंने मेरे क्लास में, मेरे पास 3 बुक्स है रनिंग नोट्स के, तो रिविजन करने के लिए ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है क्योंकि आप क्लास के रेगुलरिटी के हिसाब से इन सारी बुक्स में नोट्स निकाले हुए होते हैं और इनमें भी कुछ पॉइंट्स अच्छे होते हैं जो क्लास में डिस्कस हो चुके हुए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिमाइंड करके एक रिविजन करने के लिए ये वेरी एफिशिएंट थिंग है. टू कंक्लूड द वीडियो, वर्क अपॉन NCERT एंड द रिस्पेक्टिव बोर्ड बुक साइमल्टेनियसली. मेक अ स्मॉल नोटबुक फॉर द थिंग्स यू फील दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कांट रिमेंबर देम. वर्क एंड यूज योर क्लास रनिंग नोट्स बुक्स फॉर योर रिविजन. Get used to less time and more questions while doing the MCQ practice sessions from the MTG fingertips book. And last thing, don't fall in love with big books giving very much data, very big reference book, 2 volumes and 3 volumes. Don't do this, no need of falling in love with these books, those aren't going to make you ace marks in the exams. Okay, so good luck and enjoy the journey. Bye.